दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास ख़बरनामे पर। आज 17 जून थर्सडे का दिन है, आइए नाज़रीन देखते हैं आज का ख़ास ख़बरनामा। तेलंगाना हुकूमत ने वेनसडे के दिन जून 16 को एक इजलास करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है तेलंगाना रियासत में से लॉकडाउन ख़त्म करने का और नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया जाएगा। हुकूमत इस पर सोच रही है। बताया जा रहा है कि जून 20 से लॉकडाउन हटाया जाएगा और नाइट कर्फ्यू नाफिस होने का अंदेशा है। तेलंगाना में कोविड-19 केसेस की गिनती में गिरावट आई है। ऑफिशियल अपडेट्स के मुताबिक पॉजिटिव केसेस 1% नीचे गिर गए हैं तेलंगाना रियासत में, लेकिन वाज़ह रहे नाज़रीन अभी तक कुछ तय नहीं किया गया है। 2 या 3 दिन में हुकूमत फैसला सुनाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जल्द ही मीटिंग करने वाले हैं चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ और टॉप ऑफिशियल्स पुलिस के साथ, और उसी इजलास के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कि तेलंगाना में लॉकडाउन होगा या नहीं। हांस इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना में शायद नाइट कर्फ्यू जारी कर सकती है रात 9 बजे से, और सिनेमा हॉल साथ ही रेस्टोरेंट्स को भी खोलने की इजाज़त होगी, लेकिन वक्त की पाबंदियों के साथ। जैसे कि A18 तेलंगाना न्यूज़ ने आपको ये खबर दिखाई थी कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन के सबब, इसलिए बसेस को इजाज़त होगी 8 बजे के बाद भी काम करने और नाइट कर्फ्यू के दौरान भी काम करने। जल्दी तेलंगाना हुकूमत 2 या 3 दिन में फैसला सुनाएगी। बहुत ही अफसोस की बात है नाज़रीन, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को इंडियन स्क्वेड 11 वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने नहीं चुना गया। मोहम्मद सिराज फास्ट बॉलर है और बेहतरीन खेलते हैं। इंडिया के लिए उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त मैचेस खेले हैं, लेकिन अफसोस वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिए नहीं खेल पाएंगे। मोहम्मद सिराज ने कहा था कि उनका ख्वाब है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में खेलना, लेकिन शायद इस बार उनका ख्वाब मुकम्मल नहीं हो पाएगा, इंशाल्लाह वो अगली बार चुने जाएंगे। इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के प्रेसिडेंट की हैसियत से निकाल दिया गया है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है। बताया जा रहा है कि यह फैसला तब लिया गया जब अजहरुद्दीन ने क्रिकेट बोर्ड के कानून के खिलाफ वर्जी किए। काउंसिल का कहना है कि अजहरुद्दीन पर कई पेंडिंग केसेस दर्ज है, इसलिए सोच समझ के ये फैसला लिया गया है ताकि अजहरुद्दीन की वजह से बोर्ड पर असर ना हो। इस ताल्लुक से अजहरुद्दीन को शो काउस नोटिस दिया गया है। 13,000 स्टूडेंट्स को तेलंगाना रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। 13,000 स्टूडेंट्स तेलंगाना से एब्रॉड जाना चाह रहे हैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने। इसी ताल्लुक से हायर एजुकेशन ने उन्हें वैक्सीनेशन दिए हैं। हुकूमत ने कहा कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टूडेंट्स के लिए है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन IPM नारायणगुड़ा में मुनक़िद किया जा रहा है। जगियतल टाउन के SI शिवाकृष्णा और उनके प्राइवेट ड्राइवर एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से गिरफ्तार किए गए। उन्होंने 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी डोमेस्टिक हरासमेंट केस के मुजरिम से केस बंद करने। राजेश जो डोमेस्टिक वायलेंस केस उस पर दर्ज है, उसे केस से छुटकारा मिलने राजेश से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई, जिसके बाद राजेश ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इतला दी और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर टास्क फोर्स वेड जोन टीम ने एक जाल बिछाते हुए ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां, 2 गैंग्स को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 9 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। पहले गैंग को SR नगर पुलिस स्टेशन हदूद में गिरफ्तार किया गया और दूसरी गैंग को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में गिरफ्तार किया गया। ये लोग ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। एक एम्फोट्रीशन बी का इंजेक्शन की कीमत 7,000 है, लेकिन उसे मार्केट में कालाबाजारी करते हुए 50,000 रुपये में बेचा जा रहा था। उनके कब्जे से कुल 28 एम्फोट्रीशन बी इंजेक्शन जब्त किए गए। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University.
facility, latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC, JEE and MCET, YPC, NEET and MCET, MEC, CACMA, CEC, CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up. Admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.